तो अक्सर आप लोगों को सुनाते रहते हैं, आज सर से सुनिए कैसे हमें तैयारी करना चाहिए, सर कैसे अव्वल आए, कैसे टॉपर्स बने और हमें अपने जीवन में किस तरह से एक प्लान करना चाहिए सक्सेस के लिए, सर से जानेंगे। माला ये फूल वगैरह सब इसलिए मैं मना करता हूँ क्योंकि ये घर है मेरा, और घर में किसी का स्वागत होता है क्या? नहीं, फिर भी सर का बहुमान है, आदर है, अच्छी बात है, मैं उसको स्वीकार करता हूँ। पिछली बार बहुत टाइम हो गया आए हुए, नया बैच है या वही बैच है? कंबाइन है, नया भी है वो भी है, कंबाइन, बहुत अच्छी बात है। क्या बोलूँ सर, क्या सुनना चाह रहे हो? हम लोग को भी ध्यान से शिक्षा हो, पूछिए। हम लोगों के लिए क्वायर पर ही बुलाया गया है सर। हाँ सर, जैसे वैकेंसी कम आती है और कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, तो परीक्षा की तैयारी कैसे करें कि अपना सिलेक्शन हो? परीक्षा की तैयारी कैसे करें कि अपना सिलेक्शन हो जाए? पहली बात तो ये मत देखो कि वैकेंसी कम आ रही है कि ज्यादा आ रही है, ये देखो कि आज ऐसे समय में वैकेंसी आ रही है, यही एक बड़ी बात हो गई कि ऐसे समय में आपके लिए वैकेंसी उपलब्ध है, ठीक है। और जिस लेवल पे आप हैं, नो डाउट कॉम्पिटिशन तो बहुत है, क्योंकि धीरे धीरे जब हम बड़ी एग्जाम की तरफ बढ़ते जाएंगे तो कंपटीशन कम होता जाएगा, लेकिन कंपटीशन टफ होता जाएगा। अगर हम नीचे पटवारी से शुरू करें और आईएएस तक जाएं, तो एग्जाम में अपीयर होने वालों की संख्या क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी। पटवारी में सबसे ज्यादा लोग एग्जाम देंगे, है ना, उसके बाद ऊपर लेवल पर जाएंगे तो धीरे धीरे संख्या कम होती जाएगी, लेकिन कॉम्पिटिशन बहुत टफ होता जाएगा, है ना। लेकिन पटवारी में देखिए, अगर या इस तरह के एग्जाम्स देखें जहाँ बहुत सारे लोग फॉर्म भर रहे हैं, तो उनमें से वो लोग भी फॉर्म भर रहे हैं तो आईएएस के लिए भी फॉर्म भर रहे हैं, तो मतलब यहाँ नंबर ऑफ वैकेंसीज भले ही आपको इस तरह से दिख रही है, कैंडिडेट भी बहुत ज्यादा दिख रहे हैं, लेकिन बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो इस एग्जाम में सिर्फ फॉर्म भर के अपीयर हो रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं उन पर दबाव है कि वो इस फॉर्म को भर दें, है ना। तो पहले तो वही कॉम्पिटिशन कम हो गया। दूसरा कॉम्पिटिशन कम जो होता है वो ये होता है कि आपकी तैयारी का स्तर क्या है, आप बहुत पहले से तैयारी कर रहे हैं, आप अभी अभी तैयारी में आए हैं, तो जो आज 2-3 महीने बाद कोई एग्जाम दे रहा है और 2 साल से जो तैयारी कर रहा है, और अच्छी बात है कि वो 3 महीने से जो तैयारी कर रहा है उसकी तुलना में ज्यादा सुरक्षित है, ज्यादा कॉम्पिटिटिव है उस एग्जाम के लिए, है ना। तो एक चीज तो ये होगी। दूसरा जो सबसे बड़ी चीज है कि आपने पढ़ाई जो की है वो किन पुस्तकों से की है, किन नोट्स से की है और किस कोचिंग से की है, ठीक है। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको ये बताता है कि आपको ये बीमारी है, आपको ये दवाई दे देगी। आप में से कई लोग ये कहते हुए सुने गए होंगे या आपके घर में आपने ये कहते हुए सुना होगा कि ये वाला जो डॉक्टर है, ये जो दवाई मुझे लिखता है उससे मैं जल्दी, ऐसा होता है कि आपके साथ नहीं हुआ हो तो घर में आपने ये जरूर सुना होगा कि ये फलाना डॉक्टर है उसके पास में गया, उसने तो दवाई दी, मैं ठीक हो गया। कई बार तो लोग ऐसा करते हैं कि अगर वो ग्वालियर में बैठे हैं और उनका डॉक्टर जोधपुर में है जो दवाई की करने देता है, तो या तो वो वहां से दवाई मंगाएंगे या वहीं जाके दिखाएंगे। तो ये भी डिपेंड करता है कि इस तरफ जब आप ये देख रहे हो कि हजारों की संख्या में कोचिंग इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं, तो आपको कौन से डॉक्टर की दवाई लग गई। कोई भी कोचिंग गलत या सही नहीं है, सिर्फ ये है कि आप और उसकी फ्रिक्वेंसी मैच कितनी और जल्दी हो पा रही है। और ना ही ऐसी बात है कि कोई भी नोट्स गलत है या सही है, किसी ने नोट्स बनाए हैं तो मेहनत करके ही बनाए होंगे,
है ना, लेकिन वो आपकी फ्रिक्वेंसी से कितना मैच खा रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। तो ये तीन चार चीज़ें अगर आपके बस में आ रही हैं तो आप अधिक कॉम्पिटिशन होने के बाद भी सिलेक्शन ले सकते हैं। और इन सबके ऊपर है, इन सबके ऊपर है एक ही शब्द कि लगे रहिए। क्या है शब्द वो? तो आप में से कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं लगा रहूंगा? क्योंकि बिना लगे रहे आप कोई भी एग्जाम जो है वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो सकता। लगे रहना एक मूल मंत्र है, इस पे डटे रहे अगर आप तो एक ना एक दिन सफलता आपको जरूर मिलेगी। ऐसा मैंने क्यों कहा कि लगे रहिए? लगे रहिए इसलिए कहा मैंने आपसे कि हम में से हर एक बच्चे की प्रोग्रामिंग जो है वो अलग अलग मिले। सही बात है, सहमत है? प्रोग्रामिंग शब्द समझ रहे हैं हम किस संदर्भ में आया है ना। हम में से हर एक बच्चे की प्रोग्रामिंग अलग अलग मिले। सही बात है ना? उस प्रोग्रामिंग से ही हमारे अंदर या तो मेहनत करने की शक्ति आती है या बहाने बनाने की शक्ति आती है। या तो मेहनत करने की शक्ति आती है या बहाने बनाने की शक्ति आती है। बहाने क्या होंगे? और क्या हो सकते हैं? उसके तो बड़े अच्छे स्कूल से पढ़ा हुआ है, मैं तो गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ, और क्या बनाने होंगे? मुझे तो इंग्लिश मीडियम में बहुत अच्छी बुक्स मिलती है, हिंदी मीडियम में तो कोई है ही नहीं, है ना। उसके पास तो पैसे बहुत थे, बड़ी बड़ी कोचिंग क्लासेस उसने कर ली, मेरे पास तो थे नहीं, मैं तो कोचिंग ही नहीं जा पा रहा। और क्या मान लो, दस बहाने और होंगे, है ना। लेकिन अगर हमको मेहनत करनी है तो इन बहानों को हम क्या कहेंगे? तुम चुप बैठो अभी, है ना, अभी बैठ जाओ फिर चुपचाप से, मुझे अपना काम, और जब मुझे अपना काम करने दो मतलब हमको लगे रहना है, है ना। ये मैं ये नहीं कह रहा कि ये बहाने आपको बहुत मतलब मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ यहाँ कि बहाने आपके बनाए हुए हैं, ये आपकी स्थितियां भी हो सकती है, इसीलिए मैंने उसको प्रोग्रामिंग करा, नहीं तो मैं उसको सीधा बहाने कह रहा हूँ। तो ये आपकी स्थितियां भी हो सकती, आपकी परिस्थितियां भी हो सकती है, लेकिन परिस्थितियां जो शब्द है उसको आप कभी तोड़ेंगे तो वो क्या बनता है? परिस्थिति मतलब ऐसी स्थिति जो हमारी, तो जो हमारी स्थिति नहीं है हम उसके लिए क्यों परेशान होंगे? वो तो पर यानी दूसरी स्थिति है। तो जो हमारी स्थिति है अगर हम उसमें लगे रहे तो परिस्थिति हो जाए। तो हमको करना यही है, तैयारी करते समय हमको ये कभी नहीं सोचना है कि नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी है, हमारे पास क्या संसाधन है, हम उस लायक हैं कि नहीं। बस हमको एक चीज मन में सोचनी है कि ये जो एक पद आया है ये किसके लिए है? कितना कंपटीशन तो कभी नहीं कम हो, मतलब होता है कि एक पद भी आपको ना दिया जाए, होगा क्या इतना कम कंपटीशन? मैं बार बार आपको उदाहरण देता हूँ कि कई बच्चे ऐसे हैं जो सिर्फ एक ही पद के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और वो उनको पद मिल भी जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने यही देखा कि बस मुझे यही चाहिए, मेरे लिए है, एग्जाम में है तो मुझे ये करना है। ये थोड़ी सी आदर्श बातें जरूर लगेंगी आपको, लेकिन अपने अंदर इतना विश्वास आपको पैदा करना ही होगा। और विश्वास पैदा होता है, कहते हैं कि विश्वास से ईश्वर भी लिख सकते हैं। तो इतना विश्वास कि ईश्वर दिखेंगे ही, आप करके बताओ कितना विश्वास कि ईश्वर दिखेंगे ही, कर सकते हैं? अंदर से क्या आवाज़ है? मैं एहसास तो कर रहा हूँ लेकिन ऐसा हो गया, ऐसे दिखते हैं क्या, ऐसे लिख सकते हैं क्या? ठीक है, तो जब आप अपने आप को कहते हैं कि मैं ये पद पे सिलेक्ट हो ही ना होगा, तो अंदर से क्या आवाज
ऐसा होगा क्या? मैं तो ये हूँ, मैं तो ऐसा हूँ, मैं तो वैसा हूँ, होता है कि नहीं? ठीक है, तो ये जब तक आपके अंदर से वो चीज गायब नहीं होगी कि मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, मैं ये कर ही नहीं सकता या मैं ये कर लूंगा और ये कर लूंगा कि फीलिंग कितने स्ट्रांगली आप, मतलब आपका जो विश्वास है वो कितना स्ट्रांगली आप में है, समझ रहे? ये आपके प्रोग्राम पर ही डिपेंड करता है। फिर से उसी शब्द पे आते हैं, हमारे भारत में जो सुअर एग्जाम्पल है अक्सर हमने उसको गंदगी में देखा, देखा है? हाँ, और हमारे पेरेंट्स ने हमको ये सिखा दिया है कि सुअर से अगर टच हो जाओ तो घर जाओ, साबुन से हाथ धोना हो, क्यों? क्योंकि वो बहुत, ये हमारी प्रोग्रामिंग है जो बचपन से हुई है। अब एक बहुत साफ सुथरा सुअर आपको मिला, विदेशों में होते लोग पालते हैं, पता है आपको, बहुत साफ सुथरा सुअर आपको मिला, बहुत ही साफ सुथरा, वो आपसे टच होते क्या होते, आपकी फीलिंग तो वही रहेगी भले वो कितना ही, क्यों? क्योंकि आपका ये विश्वास है, जब आपके मन में घर कर गया है कि ऐसा होने पर ऐसा होगा, ठीक है? अब विश्वास एक दिन में बन जाएगा नहीं, विश्वास बनाने में एक तो आपका दृढ़ निश्चय और कभी कभी आपकी आलसी भी काम आती है। कैसे? वही सुअर जो साफ सुथरा है वो आपको रोज रोज टच होने लगे, तो धीरे धीरे आपका भी बिलीव खत्म होता जाएगा, समझ रहे हो, है ना? और ये आलसी अब कैसे इसमें मदद करेगी? आलसी ऐसी मदद करेगी कि कई बार हमारा मन होता है या टच हो गया लेकिन कौन काम करते हैं, छोड़ो, है ना? शुरू शुरू में जब हम गाँव घर में पालते हैं तो हम बार बार हाथ धोते हैं, जब भी वो उसको हम कुछ खिलाते हैं या उसको टेम्पर करते हैं जाके हाथ धोते हैं, एक महीने दो महीने चार महीने बाद, अगर आपकी थाली में से भी कुछ उठा के ले जाए ना, ओके चलता है। तो ये उदाहरण मेरा भले ही गलत हो सकता है लेकिन बात एकदम सही है, ऐसे उदाहरण देने पड़ते हैं आप लोगों को, बात एकदम सही है कि हमको ये विश्वास एक दिन में पैदा नहीं होगा क्योंकि हमारी जो प्रोग्रामिंग है उस तरह से हुई नहीं, हमें बचपन से कहा आ गया तुम ये कर ही नहीं सकते, तुमसे तो ये होता नहीं, अच्छा इंदौर जा रहे हैं चलो देखते हैं क्या फील मार के आते हो, ठीक है ऐसा हो रहा है तो ऐसा चलो देखते हैं क्या करते हो, किसी ने हमसे ये कहा ही नहीं कि तुम ही हो जो ये कर सकते हो, और जिनसे कहा है वो बन जाते हैं। अभी आपने पिछले साल का ही यूपीएससी का रिजल्ट देखा होगा, उसमें इंदौर की एक लड़की जो है वो आईएएस बनी, उसके फादर ने जिस दिन से ये डिसाइड किया था मेरी वाइफ के कि मुझे मेरी बेटी को आईएएस बनाना है ना, उन्होंने उसका नंबर ही कलेक्टर साहब के नाम से सेव कर दिया, उसका नंबर ही आप क्या करेंगे इसको, और वो बनी एक। और ये देखिए आप सबसे बड़ी चीज देखिए कि आपको उत्तर तो मिल गया ना, अब हम इधर उधर की बातें कर रहे हैं, आपका उत्तर हो गया होगा क्योंकि एक बार बोलना शुरू किया तो उतना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो अब आप ये देखिए आपसे लेकर, है ना, आपसे लेकर मैं बात करूं, एक स्टूडेंट से लेकर एक टॉपर तक, एक आम आदमी से लेकर राष्ट्रपति तक, एक राष्ट्रपति से लेकर दुनिया भर के महान लोगों तक, जो भी है व्यक्ति कोई उसमें दूसरा व्यक्ति या दूसरा गुण घुस गया क्या, है ना? उसने भी इसी दुनिया में जन्म लिया, बड़ा हुआ, कुछ किया और कुछ बन गया,
हाँ या ना, ऐसा हुआ था। क्या चीजें हैं जो एक आम आदमी और एक राष्ट्रपति को अलग कर देती है? हाँ, उसकी सोच ठीक है, उसका नजरिया और मेहनत, स्किल्स और कोशिश और थॉट प्रोसेस। हाँ, और विश्वास। सिर्फ एक ही चीज सब पे भारी है, उसने ये विश्वास किया कि मैं ये कर सकता हूँ, है ना। अगर अभी मैं आपसे ये कहूँ कि एक पेज लीजिए और उस पर लिखिए कि आपको आगे बढ़ने से कौन सी चीज रोक रही है, या कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको आगे बढ़ने से लिखेंगे आप, हो सकता है एक लाइन बाद आपका पेन दुनिया में कभी सोचा नहीं। हमारा एक फिक्स रूटीन है, हम सुबह उठेंगे, जो भी हमारे डेली के काम है वो करेंगे, पढ़ाई करेंगे, फिर उसके बाद जो भी हमारे जो भी काम है वो हम करते करते सो रहे। कभी हमने एनालिसिस नहीं किया कि ऐसी कौन सी चीज है जो मुझे और सफल व्यक्ति को अलग कर देगी। जिस दिन आपने ये सोच लिया, जिस दिन आपने अपनी 5 कमजोरियां लिखी, उसके अगले दिन आप क्या करोगे? उन कमजोरियों को और बढ़ाओगे? नहीं बढ़ाओगे। क्या कोशिश करोगे? तो पहले बता तो हूँ कि कमजोरी क्या है। पहले हमें कोई ये तो बता दे कि हमें करना क्या है। हम ये सोचते रहते हैं, है ना, कि हमें करना क्या है, कि हमें दूसरा आगे बताएगा। ऐसा होता है अपने हिसाब से बताया कि उसकी प्रोग्रामिंग उसके हिसाब से हुई है ना। मैं आपको आगे बता दूं कि 12 घंटे पढ़ो, आपको इतने मजा आते हो 12 घंटे पढ़ कैसे पढ़ सकते हैं, ठीक है, और आप कल से 12 घंटे पढ़ देंगे, फिर क्या होगा? मैं आपसे कहूँ कि रात को 8 बजे से सुबह 8 बजे तक पढ़ो, उसके बाद सो। ये मेरे लिए सही हो सकता है, जरूरी नहीं है आपके लिए भी सही हो, है ना। बजाय इसके मैं आपसे कहूँ कि आपको 24 घंटे में से 8 से 10 घंटे सीरियसली पढ़ाई को देने चाहिए। अब वो कौन से होंगे? आप डिसाइड करो, है ना। ये भी मैं डिसाइड करूंगा, तो ये मेरी प्रोग्रामिंग है। समझ में आ रही बात? दूसरी चीज, हमेशा रात को सोने से पहले आंखें बंद करके देखो और ये देखो कि मैंने आज दिन भर में जिस लक्ष्य की तरफ मेरे को बढ़ना है उसके लिए क्या क्या किया। या तो बहुत अच्छे से सोओगे या नींद नहीं आएगी, है ना। या तो इतनी गहरी नींद में सो जाओगे कि हाँ चलो आज मैंने बहुत अच्छा किया है और मैं संतुष्ट हूँ, या आपको ऐसा लगेगा कि मैंने लक्ष्य की तरफ कुछ तो ये दो चीजें करो। पहला तो अपनी कमजोरियां लिखो जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, और ना सिर्फ लिखो बल्कि आज से ही उस पर काम भी करना शुरू कर दो, है ना। और जब काम करना शुरू करोगे तो हो सकता है किसी एक को 2 महीने उस कमजोरी में ओवरकम करने में लग रहे, किसी को 1 साल भी लग सकता है। लेकिन आप ये सोचो कि 1 साल के बाद जो आप इंसान बनोगे, और आज जो हो अगर ऐसे ही चलते रहे तो आपको 1 साल नहीं 10 साल भी लग सकते। लेकिन अगर 1 साल में आपने अपनी कमजोरियां दूर कर ली तो आपको बहुत ज्यादा समय पे नहीं लगेगा। तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अपनी तैयारी के दौरान ध्यान में रखनी चाहिए, कि सबसे पहले हमें अपना सेल्फ असेस करना चाहिए कि हम किस स्थिति में आज हैं, परीक्षा की मांग क्या है, और परीक्षा की मांग और हमारी जो स्किल्स हैं, हमारी जो तैयारी है, उनके बीच की दूरी क्या है, और उस दूरी में कितनी बाधाएं आ रही है। तो एक एक करके अगर उस बाधा से आप निपटते जाएंगे तो ये दूरी लगातार
कम कम होती जाएगी। अभी तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि आप में से कई लोगों के पास भी ये लक्ष्य भी डिसाइड नहीं होगा कि मुझे करना क्या है ना। तो ठीक है, नहीं है डिसाइड नहीं रहे, कम से कम इतना डिसाइड तो कर लो कि मुझे इस लेवल की एक नौकरी चाहिए, इतना तो लक्ष्य डिसाइड हो सकता है ना। इतना तो हम डिसाइड करके आए थे घर से कि हमको एक नौकरी चाहिए, इसलिए तैयारी करते हैं। अब ये भी डिसाइड कर लो कि हमको किस तरह की नौकरी चाहिए, है ना। क्योंकि मैंने देखा है अपनी ये कोचिंग के दौरान, पढ़ाने के दौरान, कि जो बच्चा यहाँ आईएएस की तैयारी करने आता है वो पटवारी का फॉर्म भर देता है, और जो पटवारी की तैयारी करने आता है वो ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आइए बात समझते हैं आपको। तो पहले अपना एक लक्ष्य निर्धारित कर लो, उसमें आ रही कमियों को देखो, और रात को सोने से पहले एनालिसिस जरूर करो कि मैं दिन भर में, आपने दिन भर में 12 घंटे बैठ के पढ़ाई करी। 12 घंटे एक व्यक्ति अगर बैठता है तो कम से कम अगर वो चाहे तो 4 घंटे में 20 पेज तो लिखेगा, और अगले 6 घंटे को 20 पेज बंद कर सकता है। इतनी कैपेसिटी तो सबकी होती है, एक साधारण दिमाग से लेके एक बहुत उच्च दिमाग तक, इसका भी आधा कर 10 पेज लिख सकता है, और 6 घंटे में वो 10 पेज याद भी कर सकता है। अगर रात को सोते समय वो 10 पेज आपको रिकॉल नहीं हो पा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आपने दिन भर में क्या किया, क्या किया दिन भर, पढ़ाई की, जबकि आप सीरियसली बैठे थे, आपके मम्मी पापा बहुत चिंतित हो गए कि इसको क्या हो गया बच्चे को, है ना, इतना पढ़ाई कर रहा है, वो घर घर जाके बता रहे हैं मेरा बेटा इतना पढ़ रहा है, या मेरी बेटी इतनी पढ़ाई करती है, रिजल्ट आता तो क्या होता। कई बार ऐसा भी होता है कि जो चीजें हम लगातार करते हैं और हमको बताई जाती हैं, तो वो हम मान लेते हैं कि सही है। इसी घटना को मुझे ये बात याद आ गई कि आपकी रोज वाहवाह होने लगी कि मेरा बेटा 12 घंटे पढ़ता है, जबकि आपने ये देखा कि 12 घंटे से कम बैठे रहते हैं, एक दिन, दो दिन, चार लोगों ने, 10 लोगों ने, 15 लोगों ने, 20 लोगों ने ये बात जब कह दी है, तो आप 30वें व्यक्ति से खुद ही कह देते हो कि मैं तो 12 घंटे बैठा हूँ, और आप ये मान लेते हो कि मैं 12 घंटे बैठा हूँ मतलब 12 घंटे में पढ़ रहा हूँ। तो मैं जो बताने की कोशिश कर रहा हूँ तो आप लोगों तक पहुंच रही है बात, तो क्या करना है आपने, तो अभी जो प्रोग्रामिंग हुई है उसको दुरुस्त करना, उसको जो है वो कैसे होगा, विश्वास में, जो पुराने विश्वास है उनको तोड़ना है और नए विश्वास बनाना है। नए विश्वास एकदम से नहीं बनेंगे, समय लगेगा, है ना, लेकिन आपको वो चीज बार बार करनी होगी तब वो विश्वास आपके बन पाए, नहीं तो वो कभी नहीं बनता, है ना, ठीक है। और इस चीज में, इस विश्वास को बनाने में जो सबसे बड़ा रोल होगा, जो भूमिका होगी, वो आपकी नजरिए की होगी, सोच की होगी, कि आप ऐसा सोचें, आप अपना नजरिया ऐसा रखें, तो आपको सफलता मिलनी ही मिलेगी, ठीक है।